हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। तो कल के वीडियो मैंने आपको बताया था कि आज हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोग 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उसको देखने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि मैंने बहुत सारे पुरस्कार लिखे हैं और इसके नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको इसी टाइप के जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प करेगा। जनवरी से लेकर के अब तक जितने भी पुरस्कार मिले हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और अच्छे तरीके से इन सभी पुरस्कार को याद रखिए, क्योंकि डेफिनेटली एग्ज़ाम्स में यहाँ से एक से दो प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग हमारे न्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए डाउनलोड करके चेक कर लीजिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प करेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ हमने देखिए यहाँ पे मेंशन किया है, जनवरी से आपको स्टार्ट करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो भी ऊपर में देखेंगे वो मंथ वाइज ही है। सबसे पहला चीज़ है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 जो है कितने बच्चों को दिया गया, ये आपसे पूछा जाएगा। तो 11 बच्चों को दिया गया, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 11 बच्चों को दिया गया। पतंगराव कदम पुरस्कार, पतंगराव कदम पुरस्कार किसे मिला? आदार पूनावाला को, आदार पूनावाला को पतंगराव कदम पुरस्कार। अटल सम्मान पुरस्कार किसको मिला? अटल सम्मान पुरस्कार प्रभु चंद्र मिश्रा, प्रभु चंद्र मिश्र कहेंगे, प्रभु चंद्र मिश्र को अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार थिरु एस नदेशन, थिरु एस नदेशन को दिया गया, ठीक है, थिरु एस नदेशन। बहरीन का ISA पुरस्कार किसको मिला? तो सैंड्यूक रोइट, जो कि नेपाल के हैं, सैंड्यूक रोइट इनको ये दिया गया। ध्यान रखिएगा बहरीन का ISA पुरस्कार सैंड्यूक रोइट को। 2022 के लिए पुलिजर पुरस्कार किसको मिला था? 2022 के लिए 23 में दिया गया, तो किसको दिया गया? तो फहमीदा अजीम, जो कि बांग्लादेश से संबंध रखती हैं, फहमीदा अजीम 2022 के लिए पुलिजर पुरस्कार, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसको मिला? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जी को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार। यूनेस्को ने शांति पुरस्कार किसको दिया? यूनेस्को ने शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल को दिया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। कल की वीडियो में आपको बताया गया था जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका मुख्यालय वो बताया गया, तो आप कमेंट करके बताइए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में देखा हमने कि यूनेस्को ने शांति पुरस्कार किसको दिया, एंजेला मार्केल। नेक्स्ट, संगीत कला निधि पुरस्कार किसको मिला है? संगीत कला निधि पुरस्कार बॉम्बे जयश्री, बॉम्बे जयश्री। जितने भी पुरस्कार यहाँ पे हमने मेंशन किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, इसको याद रखने के बाद ही आप जिसको जो भी याद रखना रखिए। अगला है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको दिया गया? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अप्पा साहेब धर्माकारी, अप्पा साहेब धर्माकारी, सभी 2023 से ही हैं, ध्यान रखिए, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अप्पा साहेब धर्माकारी। अगला, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार आलिया मीर को, आलिया मीर को। एक प्रश्न और ये बनता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब है, ये कमेंट करिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, अधिनियम से रिलेटेड प्रमुख जलवायु और प्रमुख पर्यावरण से रिलेटेड जो अधिनियम है वो मैंने करा दिया है, आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया, यानी किस स्टेट को मिला है? तो ये उड़ीसा को दिया गया, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है? उड़ीसा को दिया गया। नेक्स्ट है गवर्नर ऑफ द ईयर, गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास जो है इनको मिला, गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास। पद्म विभूषण पुरस्कार, जो कि भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार माना जाता है पद्म विभूषण, तो ये आपका हो जाता है मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब कुछ हमने अच्छे से देख लिया, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको एक बार फिर से रिपीट हो जाए तो रिविजन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने लोगों को? 11 बच्चों को। पतंगराव कदम पुरस्कार आदार पूनावाला को। अटल सम्मान पुरस्कार प्रभु चंद्र मिश्र। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसको मिला है? तो थिरु एस नदेशन, याद रखेंगे। बहरीन का ISA पुरस्कार किसको मिला? सैंड्यूक रोइट। अगर इस तरह से याद एक बार कर लेते हो तो इसका MCQ जब भी आपके सामने आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आपकी डिमांड रही तो हम MCQ भी आपको करा देंगे ताकि रिविजन्स और अच्छे से हो जाए। तो आप लोग कमेंट करके बताए अगर MCQ चाहते हैं तो MCQ भी ला दिया जाएगा। 2022 के लिए पुलिजर पुरस्कार किसको मिला है? तो फहमीदा अजीम, जो कि बांग्लादेश से। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसको मिला? तो डॉक्टर महेंद्र
मिश्रा है। यूनेस्को ने शांति पुरस्कार किसको दिया? एंजेला मार्केल को दिया है। संगीत कला निधि पुरस्कार किसको मिला? तो बॉम्बे जयश्री को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको मिला? अप्पा साहेब धर्माकारी, नाम से ही लग रहा है मराठी, तो ये याद रहेगा। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार आलिया मीर को, ठीक है, आलिया मीर को। इसके बाद है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो ये उड़ीसा राज्य को दिया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर शक्तिकांत दास। लास्ट है पद्म विभूषण पुरस्कार किसको मिला? तो मुलायम सिंह यादव। ये चीज क्लियर है। अब चलिए इधर बढ़ते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को। सांख्यिकी 2023 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, सांख्यिकी 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सी आर राव को दिया गया। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसको मिला? तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, इनको दिया गया, ध्यान रखिएगा। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को दिया गया, दामोदर मौजो, ये इंपॉर्टेंट वीवीआई रहेगा, राइट। नेक्स्ट होने की साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2023 हिंदी लेखक अतुल कुमार रॉय, हिंदी लेखक हैं अतुल कुमार रॉय, और इनकी जो उपन्यास है चांदपुर की चंदा, इसके लिए ये इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। अगला जो सवाल है बहुत अच्छा है कि जर्मन शांति पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो सलमान रुश्दी को, वीवीआई रहेगा। सलमान रुश्दी जो है इनको जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से नवाजा गया। इकबाल मसीह पुरस्कार, इकबाल मसीह जो है वो ललिता नटराजन, ललिता नटराजन जो हम स्पीडी करंट अफेयर आपको करा रहे हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को आपको मिला होगा, बहुत पहले भी मैंने कराया है। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार किसको दिया गया? एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार रामचंद्र गुहा की जो पुस्तक है, आपको पता ही है कि इनकी जो पुस्तक होती है काफ़ी पॉपुलर होती है, एग्जाम्स में हमेशा आता रहता है रामचंद्र गुहा की पुस्तक, तो इनकी पुस्तक को एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट रहेगा, गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसको मिला? ध्यान दीजिएगा, इससे पहले अगर 23 नहीं पूछा जाए तो 21 वाला भी पूछा जा सकता है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसको दिया गया था? तो गीता प्रेस, गोरखपुर का जो गीता प्रेस है उसको दिया गया था, लेकिन 23 का जो शांति पुरस्कार है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन दोनों संस्थानों को दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार 2023, ध्यान दीजिएगा 23। अगला है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको मिला? ऊपर में हमने देखा था साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अतुल कुमार जो रॉय है उनको मिला था, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रिया ए एस ये दिया है। नेक्स्ट कि देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य भूमि सम्मान किसको मिला? देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य भूमि का सम्मान उड़ीसा को दिया गया, और इधर हमने उड़ीसा में क्या देखा था, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी उड़ीसा को ही मिला है। नेक्स्ट मोस्ट प्रेफर्ड वर्कप्लेस ऑफ 2023-24 जो है किसको दिया गया? एनटीपीसी को, काफ़ी लोगों के द्वारा पसंदीदा वर्कप्लेस इसमें चुना गया है एनटीपीसी को। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसको मिला? तो थलपिल प्रदीप, आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर है थलपिल प्रदीप। क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार थलपिल प्रदीप को दिया गया, बताइए कि इनका संबंध किस आईआईटी से है, हो सकता है कुछ भी क्वेश्चंस दे दे, तो ध्यान में रखना है कि थलपिल प्रदीप कहाँ संबंध रखते हैं, आईआईटी मद्रास से। नेक्स्ट ये क्वेश्चन तो आपको पहले ही पता है कि पूछा जा चुका है, जब सेल को मिला था पूछा जा रहा था, एग्जाम्स में आया भी था। गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसको मिला? तो अडानी ट्रांसमिशन जो लिमिटेड है इसको दिया गया गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023। तो ये कुछ महत्वपूर्ण था। अब चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड में, और भी जो महत्वपूर्ण है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अब हमने आगे के स्लाइड पे आ गए हैं और इसमें देखने वाले हैं जो बाकी के महत्वपूर्ण हैं वो। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार मोक्ष रॉय को दिया गया, ध्यान रखिएगा। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब किसको मिला? तो लालियान जुआला छांगटे जो हैं इनको AIFF का पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी मिली है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी मिली है? तो 76।
महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार, उद्योग रत्न पुरस्कार किसको मिला? तो रतन टाटा जी जो है इनको मिला है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार का अवार्ड। ठीक है, जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसको मिला? जॉर्ज लेडली पुरस्कार जो है वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्री राज चेट्टी को, अर्थशास्त्री राज चेट्टी को, इम्पॉर्टेंट है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जो है वो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 मासिक पेंशन देने की जो घोषणा है वो किस राज्य सरकार ने की है, यानी राज्य में जितने भी पद्म पुरस्कार विजेता रहेंगे उनको हर महीने 10,000 रुपये देने की घोषणा की गई है हरियाणा के सरकार के द्वारा, तो ये ध्यान रखिएगा हरियाणा के सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023 किसको मिला? राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार का अवार्ड इंदौर को दिया गया, इंदौर, ठीक है, भोपाल, सॉरी, मध्य प्रदेश का जो शहर इंदौर है उसको दिया गया, ये चीज़ याद रखिए। बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक पुरस्कार मिला है, बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक पुरस्कार दिया गया, तो ये जो बायकुला रेलवे स्टेशन है वो मुंबई में है, मुंबई, ठीक है, मुंबई। रैमसे मैग्नो, क्या मैं बोल रहा हूँ यार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जो है वो चार लोगों को दिया गया, विश्व में चार लोगों को दिया गया, यानी एशिया का पुरस्कार है तो एशिया में चार लोगों को दिया गया, जिसमें से भारत के एक व्यक्ति शामिल है, डॉक्टर रवि कन्नन, डॉक्टर रवि कन्नन जो कि कैंसर विशेषज्ञ है इनको दिया गया, ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जानते हैं इसको, रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस की सरकार के द्वारा ये दी जाती है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा, डॉक्टर रवि कन्नन जो कि एक कैंसर विशेषज्ञ। एकलव्य पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई, जिसको मिला है वो पलक शर्मा है, एकलव्य पुरस्कार 2023 पलक शर्मा को दिया गया है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार मोक्ष रॉय को मिला है, AIFF का पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको मिला, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं ललियान जुवाल छांगटे जो इनको दिया है। कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई, तो 76 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार रतन टाटा जी को मिला। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसको मिला है, तो अर्थशास्त्री राज चेट्टी जो है इनको दिया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को। पद्म पुरस्कार विजेताओं को प्रत्येक महीने 10,000 रुपये देने की जो घोषणा की गई है वो हरियाणा के सरकार के द्वारा की गई है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023 किसको मिला है, तो इंदौर को। बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के द्वारा सांस्कृतिक पुरस्कार मिला है, मुंबई। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 डॉक्टर रवि कन्नन जो कि एक कैंसर विशेषज्ञ हैं। एकलव्य पुरस्कार 2023 पलक शर्मा को दिया गया, तो इधर कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट्स के तरफ, जिसमें है पहला आता आपका लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला है। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, तो अदीब अहमद, अदीब अहमद। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी मैंने पुरस्कार लिए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसके अलावा भी बहुत सारे पुरस्कार हैं लेकिन वो एग्ज़ाम से उतना रिलेटेड नहीं है, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप इधर उधर से देख करके याद करना चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बताया गया इसको पहले याद रखिए, उसके बाद आप एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का पुरस्कार किसको मिला है, तो किरीटेश्वर गाँव है, पश्चिम बंगाल का एक किरीटेश्वर गाँव है, इसी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार 2023 में दिया गया है। ठीक है, किरीटेश्वर गांव पश्चिम बंगाल। अच्छा, पहला भारत का पहला गांव जो है उस किसे घोषित किया गया था, माना गांव, उत्तराखंड का माना गांव को, ठीक है, उत्तराखंड का माना, इसको याद रखिए। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2023 किसको मिला, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2023 वनस्थली विद्यापीठ जो है, वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में है, इसको सद्भावना, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया गया। अच्छा, ये कमेंट करके बताइए कि सद्भावना दिवस मनाते कब है, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है। आगे हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 वाहिदा रहमान को दिया गया। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार डॉक्टर स्वाति नायक, डॉक्टर स्वाति नायक। नॉर्मन बोरलॉग जो थे इनका संबंध किससे था ये आप बताइएगा, नॉर्मन जो नॉर्मन बोरलॉग आप देख रहे हैं इस इनका संबंध किस देश मतलब किस फील्ड से था वो आपको बताना है। अगला, 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 किसको मिला, 13वां स्वामीनाथन पुरस्कार जो है डॉक्टर सुरिंदर सहगल को, डॉक्टर सुरिंदर सहगल, ये इंपॉर्टेंट है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोसेन, माइकल रोसेन को। यूरोपीय निबंध पुरस्कार, यूरोपीय निबंध पुरस्कार अरुंधति रॉय,
अरुंधति रॉय को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको मिला है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को मिला है। एबेल पुरस्कार, जिसको गणित का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है, एबेल पुरस्कार, तो ये आपको मिला है लुइस ए कैफरोली, ठीक है, लुइस ए कैफरोली बस याद रखिए, जो कि अर्जेंटीना से संबंध रखते हैं, कैफरोली, ठीक है, एबेल पुरस्कार। प्रितजर पुरस्कार, जो कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, तो प्रिटेक्चर जो है वो आपका हो जाता है चिपरफील्ड, ठीक है, चिपरफील्ड को दिया गया 2023 का आर्किटेक्चर, यानी प्रितजर आर्किटेक्चर पुरस्कार। अच्छा, ऊपर में एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि सुभाष चंद्र बोस जो है आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसको मिला है, तो वहाँ पर सिर्फ मैंने उड़ीसा बताया था, तो उड़ीसा के अलावा भी एक साथ उसमें याद रखिएगा लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम में, इन दोनों को मिला है, उड़ीसा के साथ साथ लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को संयुक्त रूप से सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 मिला है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये पुरस्कार वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और मैंने इस बोर्ड पर बहुत सारी चीज़ें लिख दी यार, बहुत टाइम लगा, तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अपने हिसाब से, जितने लोग देखेंगे वीडियो लाइक करके जाइए। और पेड कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जल्द से जाइए और वहाँ पे अपने पसंद के कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।